हेलो दोस्तों, आज हम एक ऑप्शन स्ट्रेटजी करने वाले हैं। आई एंड एपी सर हैज डन अ रूबरू वीडियो। द सिस्टम इज कॉल्ड त्रिविध। सो बेसिकली त्रिविध का मतलब क्या होता है? अ कन्फ्लुएंस ऑफ थ्री, मतलब हम तीन चीज को यहाँ पर एक कंफर्मेशन पे लाएंगे और उसके बेसिस पे एक ट्रेड लेंगे। एंड दिस इज प्योरली अ स्विंग और मोमेंटम स्ट्रेटजी जो हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, स्पेशली ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। तो समझते हैं ये स्ट्रैटेजी पहले है क्या। हम तीन चीज यहां पर देखने वाले हैं। पहला है अनयूजुअल वॉल्यूम्स इन कैश मार्केट और कैश स्टॉक, अनयूजुअल वॉल्यूम इन फ्यूचर्स एट द सेम टाइम, और अनयूजुअल एक्टिविटी अगर वो ऑप्शंस के मल्टीपल स्ट्राइक्स में हो रही है। तो पहले समझते हैं कि हम स्ट्रैटेजी को पहले एक बार देखते हैं कि क्या है। ओके, सो इसके लिए क्या करना है, हम आर्ली चार्ट लेंगे और हम इसको एवरी आवरली पे स्कैन करेंगे, विच मींस दैट हमारा 10:15 पे हम स्कैन करेंगे, 11:15 पे, 12:15 पे, 1:15, 2:15, 3:15। यू कैन स्कैन एनी टाइम ड्यूरिंग द डे इफ यू वांट। ओके, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मैं इसीलिए मैंने अपना ये रूल बना के रखा है कि मैं एवरी वन आवर पे इसको करूंगा। यू कैन यूज 45 मिनट्स, यू कैन यूज 30 मिनट्स, यू कैन यूज 15 मिनट्स। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में जाने में, लोअर टाइम फ्रेम में बहुत बार ऐसा होता है कि 15 मिनट या 30 मिनट्स आपने लिया तो वो अनयूजुअल वॉल्यूम का फॉलोअप मोमेंटम नहीं आता है। आर्ली कैंडल का वॉल्यूम होगा ना, वो एक मतलब कन्विंसिंग वॉल्यूम होता है, बिकॉज ड्यूरिंग वन आवर एक फॉलोअप वॉल्यूम होता है। तो पहले समझते हैं चार्ट पे इसको वॉल्यूम को कैसे देखते हैं। तो अगर मैं आप यहाँ पर स्क्रीन देखोगे तो मैंने एक ट्रेंड का चार्ट लगा कर रखा है, जो अगर मैं देखूंगा तो एक वेनेसडे के सेशन में स्टॉक 20% अप था। अब इसको मैंने 12:15 के जो ये कैंडल बनी है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो एक अपराइज है 12:15 टू ये जो मोमेंटम आया था। ओके, तो ये जो मोमेंटम है 12:15 टू 1:15 का जो मोमेंटम था, ओके, दोपहर को 1:15 पर। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने इसको 115 को जाके स्कैन किया। अब इसको स्कैन कहाँ कर सकते हैं? तो अगर आप आर जोन के यूजर हो तो आप आर जोन में जाइए। ओके, गो टू दिस प्राइस स्कैनर। ओके, गो टू दिस कैंडलस्टिक स्कैनर। कैंडलस्टिक स्कैनर में जाने के बाद आप यहाँ पर आप सर्च करोगे तो अनयूजुअल वॉल्यूम दिखेगा आपको नीचे। यहाँ पर आप देखिए अनयूजुअल वॉल्यूम है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ग्रुप में मैं ले रहा हूँ एफेंडो स्टॉक्स। ओके, बिकॉज हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली इसको फ्यूचर्स और ऑप्शंस के चार्ट में देखेंगे। और मैं यहाँ पर 60 मिनट्स कर रहा हूँ स्कैन। ओके, बिकॉज ये अगर मैं चार्ट्स पर वापस आता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे तो ये 4 कैंडल है, तो ये स्कैनिंग में जो फर्स्ट कैंडल होती है वो 0 होती है, 1, 2, 3। तो मैं यहाँ पर 3 के कैंडल में स्कैन करता हूँ और ये वेनेसडे का डेटा के बिकॉज मैं पोस्ट मार्केट शूट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 3 ले रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इसको स्कैन करूंगा। ओके, अब अगर आप यहाँ पर स्कैन का रिजल्ट देखोगे तो हमको ट्रेंड और नेस्ले आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर ट्रेंड के चार्ट्स पे वापस आता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि ये आपको वॉल्यूम है। अभी हम जाते हैं इसके फ्यूचर्स के चार्ट पे, क्या इसके फ्यूचर्स में उस समय सेम चार्ट पे वॉल्यूम था क्या? तो वी विल चेक दैट वॉल्यूम ऑन फ्यूचर्स एज वेल। या तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये फ्यूचर में भी वॉल्यूम अपटिक है। यहाँ पर हम नीचे वॉल्यूम के बाहर देखें, एक सडन अपराइज है। ओके, अब मेरा कैश का वॉल्यूम हो गया, अब मेरा फ्यूचर का वॉल्यूम। अब मैं ऑप्शंस में अनयूजुअल एक्टिविटी है कि नहीं मैं चेक करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ऑप्स्ट्रा के चार्ट पर, विंडो पर, वहां पर आप ओपन इंटरेस्ट में जाओगे। ओपन इंटरेस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको देखिए अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी आती है। ओके, ये एक्सट्रीम फीचर हमने डिफाइनेश के ऑप्स्ट्रा में एड किया है, जहां पर आप बैक टेस्टिंग फ्यू डेज के भी डेटा देख सकते हो। तो मैं 7th फेब में जाता हूं। ओके, बिकॉज ये जो डेटा है 7th फेब का डेटा हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं, और वहां पर मैं जाके सर्च करता हूं ट्रेंड। तो यहां पर आप देखिए ट्रेंड के बहुत सारे आ गए। ओके, अगर मैं यहां पर देखूंगा जो मेरे को 115 की कैंडल के क्लोज पे आए थे, तो यहां पर देखिए 18 में आपको 2905 के पुट, 15 को आपका आया 3100 का कॉल, 1:02 पर आया 3000 का कॉल, 1:17 तो शायद स्कैनिंग के जस्ट 1 मिनट बाद आया था 3600 का कॉल, 1:05 का कॉल, 1:07 3300 का कॉल। अब ये ऑप्शन एक्टिविटी देखोगे तो मल्टीपल स्ट्राइक्स में ऑप्शन एक्टिविटी हो रही है एंड स्टॉक इज गोइंग अप विथ वॉल्यूम्स। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन के चार्ट पर आऊंगा। अब मैं चेक करूंगा
ओके अगर आप ये ऑप्शंस के प्राइस का क्लोज देखोगे तो ये फ्यूचर का क्लोज वाज समवेयर अराउंड 3242 और मैं जब इसमें स्ट्राइक्स देख रहा था 3240 6080 और 3300 मैक्सिमम वॉल्यूम जो था बेसिकली ऑप्शन ट्रेड करने के लिए वो मल्टीपल मिडल्स ऑफ द स्ट्राइक्स में 3300 के कॉल में वॉल्यूम्स था इसीलिए मैंने उसको 3300 के वॉल्यूम्स के ऑप्शंस के चार्ट पर देखा। अब मैं आता हूं ऑप्शंस के चार्ट पर। ओके तो मैंने यहां पर एक जस्ट आप देखोगे तो मैंने 3% by 3 वन मिनट 3300 का कॉल का चार्ट लगा के रखा है। ओके और ये जो एवरेज देख रहे हो ये एडेप्टिव आरएसआई है। सो एडेप्टिव आरएसआई अगर आपको जानना है तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप आर्काइव में जाके डिटेल वीडियो इसका देख सकते हो एडेप्टिव आरएसआई का। अब एडेप्टिव आरएसआई में जब पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है और उसके अंदर ऊपर ऑप्शन का प्राइस होगा इट मीन्स दैट इज अ बाय। जब ये क्लोज हुआ था 3242 के आसपास जब ये कैंडल क्लोज हुई थी इसका ऑप्शन का प्राइस था 114-115 रुपीज के आसपास एंड ये बुलिश क्रॉसओवर था विद बिग एंकर कॉल। ओके तो अगर आपको लो रिस्क लेना है तो आप ये एंकर कॉलम के ऊपर भी बाय कर सकते हो। अगर आप थोड़े हाई रिस्क हो आई विल राइट बाय एट जब मुझे ऑप्शंस एक्टिविटी दिखी तो मैंने इसको अराउंड 118-114-118 के बीच में मल्टीपल लॉट्स थोड़े लिए थे एंड इट वेंट अप टू द लास्ट बाय वाज समवेयर अराउंड 123-124 रुपीस। ओके अब इसमें क्या हो गया ना मोमेंटम बिल्ड हो गया बिकॉज आउट ऑफ द मनी मैंने इसीलिए मैं जनरली एट द मनी भी रहता हूँ एट द मनी के भी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो एट द मनी में क्या होता है ना आपको मोमेंटम फास्ट मिल जाता है बट ट्रेंड में मिडल ऑफ द स्ट्राइक्स में वॉल्यूम नहीं थे बिड आस्क में बहुत ज्यादा फर्क था इसलिए मैंने राउंड ऑफ स्ट्राइक में विच वॉज 3300 द नियरेस्ट उसको लिया मैंने। ओके एंड द मोमेंटम बिल्डअप वेरी फास्ट। ओके अब 3300 वाला स्टॉक हो गया 3500 रुपीज। ओके एंड आई हैव टू क्लोज दिस 3500 बिकॉज 3300 के कॉल में बिड आस्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। एंड इसमें क्या होता है ऐसे सब स्टॉक्स में डीप इन द मनी जाने के बाद ना ऑप्शंस की एक्टिविटी बिड आस्क में बहुत फर्क हो जाती है वॉल्यूम में भी इंपैक्ट आते हैं। सो बीइंग अ प्योर मोमेंटम ट्रेडिंग आई एम जस्ट लुकिंग एट अ स्विंग ट्रेडिंग ओवर हियर। आप डीप इन द मनी हो गया तो आप बुक करके आइदर यू कैन लुक फॉर अ स्ट्राइक चेंज यहाँ पर अगर आप हो तो आप स्ट्राइक चेंज कर सकते हो बट मैंने इसको जनरली 270-280 के बीच में स्क्वायर ऑफ कर दिया था बिकॉज बिड आस्क में बहुत फर्क हो गया। इनकेस अगर वो स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस हो जाता तो ये शायद बिड आस्क में मेरे को इम्पैक्ट ज्यादा होता इसीलिए। अब आता हूं दूसरा एग्जांपल ये सेम चीज आप हमने एसबीआई में भी देखी थी आई जस्ट शो यू कम ऑन टू द एसबीआई। ओके तो मैं यहां पर अगेन कैश के चार्ट पे आता हूं। ओके आप यहां पर देखिए ये जो सेशन था इनफैक्ट अगेन ये कल का सेशन था जहां पर 600 एंड ये जो कैंडल क्लोज हुई थी 9:15 to 10:15 की उसके बाद एसबीआई पॉजिटिव के बाद वॉल्यूम के साथ अपस्ट्रिंग आया। और अगर मैं सेम कल के ऑप्शंस एक्टिविटी में एसबीआई में जाता हूं ओके अब यहाँ पर आप देखिए 9:45 से लेके 9:40 9:45 सब में अर्ली मॉर्निंग आपको यहाँ पर आप इसको टाइम बाय शॉर्ट भी कर सकते हो। ओके तो हम यहाँ पर देखेंगे 9:45 के आसपास 9:40 9:35 सब के आसपास ये मल्टीपल स्ट्राइक्स में ऑप्शन एक्टिविटी थी तो मैंने उस समय अगर आप यहाँ पर अगेन मैं चार्ट में आता हूँ 660 के कॉल पे एसबीआई के। ओके 660 के आसपास का भाव था और 670 के कॉल भी हम लोग देख सकते हैं ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ओके सो इफ आई जस्ट कम ऑन टू दिस 660 के कॉल 670 के कॉल पे एसबीआई का इट वाज समवेयर ट्रेडिंग एट अराउंड 13-14 रुपीस उस समय जब ये मोमेंटम आया था। या तो आप यहां पर देखोगे तो ये मोमेंटम आया 14-15-16 रुपीस के आसपास भाव था। ओके यहां पर आप देखिए गोल्ड एडेप्टिव क्रॉसओवर और उसके बाद प्राइसेस इज गॉन हायर टू 25-26 नाउ। ओके तो ये एक मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन ट्रेड आप कर सकते हो इसमें डीएलएफ में भी बाय आया था व्हेन इट वेंट अबाउ यस्टरडे प्रोबब्ली ऑन द वेडनेसडे 7th of Feb जो डेटा था उसमें डीएलएफ भी मोमेंटम में था। तो इस तरह से आप तीन चीज देख के ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। दिस इज अमेजिंग स्ट्रेटेजी विच आई बीन फॉलोइंग फॉर आई गेस नियरली 6 months नाउ। और ऑप्शंस एक्टिविटी इनिशियली हमारा जो फीचर था वो सिर्फ एक दिन के लिए था अब आप उसको थोड़े से 2-3 दिन के लिए बैक टेस्ट भी कर सकते हो इस डेटा को। एंड ये अगेन आई एम लुकिंग एट अ स्विंग स्ट्रेटेजी अगर वो डीप इन द मनी हो जाता है तो आई वुड सजेस्ट प्रॉफिट बुक कर दो। यूपीएल इज ऑल्सो वॉज द वन ट्रेड अगर आपको रिजल्ट के दिन याद होगा तो 500 के आसपास मेरे को याद है 5:10:15 का जो क्लोज था आर्ली कैंडल का 501-502 फ्यूचर्स का आसपास कुछ भाव था एंड आई वेंट ऑन टू द बाय 500 पुट विच वॉज राइट एट दी मनी और उसके बाद स्टॉक का फॉलोअप में 470-480 के बीच में गया था एंड इट मेंट गुड मोमेंटम प्रॉफिट्स ओवर देयर ऑन यूपीएल एज वेल।
तो इस तरह से आप ये तीन चीज देखिए, अनयूजुअल वॉल्यूम आप स्कैन कर सकते हो एवरी आवरली, आपको फ्यूचर्स एंड कैश में दोनों में ऊपर वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कैश में अपटेक आता है बट फ्यूचर्स में नहीं आता है। एंड ट्राई टू लुक एट द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द ऑप्शंस, वहां पर अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, जो आपको ये हेल्प करेगा कि ये तीनों चीज मिलने के बाद आपको एक मोमेंटम प्ले। एंड बहुत बार मैंने देखा कि फॉलो अप मोमेंटम में आपको अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाते हैं। सो इन केस आपको कुछ भी डाउट हो टाइम फ्रेम को लेके, 30 मिनट लेना चाहिए, 45 मिनट लेना चाहिए, ड्यूरिंग द डे लेना चाहिए, वॉट एवर, आप कमेंट में लिखिए। आई विल ट्राई टू शेयर एज मच एज आई कैन। एंड इन केस आप मुझे फोरम पे फॉलो कर रहे हो, forum.definesecurities.com पे, वहां पर भी मैं ये सब स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते रहता हूँ, आर्टिकल्स पोस्ट करते रहा हूँ, डू रीड मी ओवर देयर एज वेल। साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भाटिया।